हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुधांशु पालो जी हैं। सर, आज एक याचिका खारिज कर दी गई थी ईवीएम पर। सबसे पहले मेरा सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड पे है कि क्या कहा गया है एसबीआई की तरफ से और कोर्ट ने एसबीआई को क्या ऑर्डर्स दिए हैं? सर देखो, तो देखिए कि एक 2017 में पार्लियामेंट एक मनी बिल लाया था जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसमें जो पार्लियामेंट होता है, लोकसभा होता है, दे कैन ओनली स्क्रूटनाइज द बिल। ठीक है। एज पर आर्टिकल 110 जो मनी बिल होता है, राज्यसभा एंड जो विधान परिषद होता है जी, उनका कोई राइट नहीं होता है। अच्छा। कि उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका फंडिंग कैसे बढ़ेगा, इसी के ऊपर है। ठीक है। मगर कुछ ऐसे देश में पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अच्छे पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि मना कर दिए थे कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेने के लिए। अच्छा। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे केरला का एक पार्टी, वो एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में स्टेटिंग इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। क्योंकि जो वोटर्स का राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये उसका वायलेट कर रहा है और आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये वायलेट कर रहा है। आफ्टर हियरिंग ए लेंथी आर्गूमेंट बाय ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जजेस हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसी को आप इमीडिएट इफेक्ट बंद करने के लिए डायरेक्शन दिया था। और इसी माध्यम से लगभग 9,800 सम क्रोर्स हैज़ बीन कलेक्टेड और इसको पब्लिक के डोमेन में इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि इसको पब्लिक के डोमेन में लाने के लिए, जो कि कुछ नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को डायरेक्शन दिया कि आप इमीडिएट उसको डिस्क्लोज करो और इलेक्शन कमीशन को भी मैंने डायरेक्शन दिया कि आपका वेबसाइट में ये करो, डोनर कौन है। लेकिन अभी भी शायद एक कोड नहीं बताया गया सर उसमें। सर देखो, धीरे धीरे होगा, ये एक 7 साल का सिस्टम है, 2017 से 2024 तक एक था, मगर ये होगा 100%। ये वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो कि वायलेशन कर रहा था, आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको वायलेशन कर रहा था। ये देश महान है, आज इतना बड़ा डिसीजन जो है कि आज इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, लोग जानेंगे कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी और किसने कितना पैसा दिया था, जो कि जो हम प्रोसेस एक है, राज्यसभा लोकसभा है, सबका एक कानून बन रहा है तो सब स्क्रूटनी कर सकते हैं। मगर इसमें राज्यसभा का और विधान परिषद का कोई पावर नहीं था स्क्रूटनी करने के लिए, ओनली लोकसभा का था। और ये एक वेलकम डिसीजन है और स्वागत योग्य है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सुधांशु पालो जी का कहना है कि ये वोटर्स का अधिकार है जानने का कि आखिर किस पार्टी ने कितना चंदा किस कंपनी से लिया, ये उनका अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का अब तक वायलेशन हो रहा था, इस मामले को सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने लिया और अब फिलहाल एसबीआई को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि 18 तारीख तक यानी सोमवार तक आप ये बताएं कि आखिर वो अनकोड नंबर क्या था जो आपने अब तक हमारे सामने पेश नहीं किया है, उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझा करें और ये बताएं कि आखिर कितने करोड़ रुपए किस पार्टी ने किस शख्स को दिए हैं। वृजलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।